वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको न्यू टूल बताने वाला हूँ। इस टूल का नेम है स्वीप टूल। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने रिवॉल्व टूल डिस्कस कर चुके हैं, एक्स टूल डिस्कस कर चुके हैं, प्रेस टूल डिस्कस कर चुके हैं, अब स्वीप टूल में क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, स्वीप टूल का जो यूज़ है, स्वीप टूल इज यूज टू स्वीप अ सेक्शन अलोंग ए पाथ। मतलब अगर आपके पास किसी ने एक पाथ डिफाइन करके दिया हुआ है कि जैसे ये देख रहे होंगे ये एक पाथ है, और बोला जा रहा है कि इस पाथ के अलोंग एक क्रॉस सेक्शन या एक सेक्शन को हमें रन करना है, तो इन स्वीप टूल वी हैव, ठीक है, तो तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्वीप टूल यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब हम को किसी ने एक पाथ दिया हुआ है, या हम ही अगर किसी एक पाथ को ड्रॉ करते हैं और उस पाथ के अलोंग किसी एक सेक्शन को चाह रहे हैं कि ये सेक्शन उस पाथ को फॉलो करे, तो जब वो सेक्शन इस पाथ को फॉलो करेगा तो क्या करेगा, वो मटेरियल ऐड करते हुए कुछ इस तरीके से कंपोनेंट्स आपके पास बनाकर दे देगा। जैसा कि इधर भी प्रीव्यू में भी दिख रहा है, एक हेलिकल प्रोफाइल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, और इस हेलिकल प्रोफाइल के अलोंग अगर हम सर्कल को रन कर रहे हैं, तो देखिए सर्कल जब इसके अलोंग रन होता है तो ये मटेरियल क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, इन स्वीप टूल, अब स्वीप टूल में हमें क्या करना होता है, इन स्वीप टूल वी हैव टू ड्रॉ बोथ सेक्शंस एंड पाथ। ठीक है, हमें दोनों को ड्रॉ करना पड़ता है, हमें सेक्शंस को भी ड्रॉ करना है होता है और पाथ को भी ड्रॉ करना होता है। हेयर ऑल्सो सेक्शन मस्ट बी क्लोज्ड विथ ज्वाइन और रीजन। तो यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जो आपका सेक्शन होना चाहिए वो रीजन या ज्वाइन होना चाहिए। द पाथ इन द स्वीप टूल मस्ट बी ज्वाइन यूजिंग ज्वाइन टूल, और जो पाथ होना चाहिए वो भी ज्वाइन ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ज्वाइन, ये मैं आपको अभी जब परफॉर्म करूँगा तब मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले हमें एक पाथ बनाना है, तो मैं अभी ऐसे ही रेंडमली सपोज कोई भी एक पाथ को बना लेता हूँ। मैं सिंपल लाइन या प्रोफाइल लेके, मैं लाइन ही लूँगा। मैंने लाइन लेते हुए ऑर्थो मोड ऑन करते हुए मैंने ऐसा ही कुछ भी ये प्रोफाइल ये बना लिया। ये पूरा पाथ हमने बना लिया। अब हम चाह रहे हैं इस पाथ के अलॉन्ग सपोज ये सर्कल रन हो, ये सर्कल इस पाथ को फॉलो करे और इसके अलॉन्ग स्वीप हो जाए। तो देखिए, अब सर्कल के केस की बात की जाए तो सर्कल वैसे भी सिंगल क्लिक में सिलेक्ट होता है, तो इसको ज्वाइन या रीजन करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सर्कल है, या इन केस आप अगर रेक्टेंगल ले रहे हैं तो रेक्टेंगल के साथ भी पॉलीलाइन की प्रॉपर्टी होती है। जब रेक्टेंगल के ऊपर आप माउस रख रहे होते हैं तो देखिए ये बता रहा होता है कि ये पॉलीलाइन है, तो ये भी सिंगल क्लिक में सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पर जब रिवॉल्व टूल पिक करता हूँ तो रिवॉल्व टूल में ये मेरे से क्या बोलता है, रिवॉल्व टूल में बोल रहा होता है सेलेक्ट फर्स्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व, सॉरी रिवॉल्व नहीं, मेरे को क्या यूज़ करना है, स्वीप यूज़ करना है। तो ये मेरे से क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने, जैसे स्वीप करना है, सपोज मेरे को रेक्टेंगल स्वीप करना है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, फिर एंटर कर देना है आपको, एंटर किया फिर ये क्या मांगता है, सेलेक्ट स्वीप पाथ। अब उस पाथ को डिफाइन करिए जिस पाथ में इसको रन होना है। तो मैंने जब इस पाथ पे क्लिक किया तो देखिए ये सिर्फ इसी पाथ तक गया। अभी देखिए 2D वायर फ्रेम की जगह मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ कंसेप्चुअल या शेडेड विथ एजेस में, तो आप देखेंगे ये सिर्फ किधर तक गया, उस पर्टिकुलर लाइन तक ही गया जो सेलेक्ट हुई। ठीक है, बट मैं तो चाह रहा था कि ये पूरा पाथ को ही फॉलो करे, तो ये कब पाथ को फॉलो करेगा, जब ये पूरा पाथ सिंगल क्लिक में सेलेक्ट होगा। तो ये कब सेलेक्ट होगा, जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा, जब मैं ज्वाइन जे एंटर के थ्रू मैं इसको ज्वाइन कर एंटर कर दूंगा, तो देखिए ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो चुका है, अब एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब मैं अगर स्वीप करूंगा तो स्वीप जब लूंगा तो ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप बोलेगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, फिर पाथ पूछा, पाथ मैंने ये बता दिया। तो देखिए इस पूरे होल पाथ में ये स्वीप हो चुका है, और आप देखिए ये आपको दिखेगा, ये उस पाथ को फॉलो करते हुए उस रेक्टेंगल को स्वीप कर चुका है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये सर्कल की, तो सर्कल के साथ भी वही होगा। बट अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे ही रेंडमली कुछ भी एक क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि ये क्रॉस सेक्शन जो है ये इस पाथ को फॉलो करे, तो आपको इस, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है, ये जो सेक्शन आपने बनाया है, ये इसमें सारे ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली सेलेक्ट हो रहे हैं अभी, तो पहले तो मेरे को इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं पहले क्या करूँगा, इसको पूरे ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करूँगा, और ज्वाइन करने के बाद फिर इसमें स्वीप टूल पिक करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, और देन पाथ मैंने ये डिफाइन किया। तो आप देखेंगे ये पाथ के अलोंग क्या हो जाएगा, ये स्वीप हो जाएगा। तो आई थिंक आपको स्वीप टूल समझ में आ चुका होगा। अब ये वीडियो में तो मैंने आपको स्वीप टूल समझाया हुआ है,
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पीड टूल को यूज करते हुए टू एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज ये रहेगा, सेकंड एक्सरसाइज ये रहेगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।